जवान टू। जवान के पहले भाग में अवेसिव डायरेक्टर एटली ने तीन लड़कियों की स्टोरी पर ध्यान दिया है। अभी भी दो लड़कियों की कहानी अधूरी रहती है। जवान के पहले पार्ट के बाद अब दर्शकों के दिमाग में एक बात है कि क्या जवान टू आएगी, तो इसकी कहानी क्या रहेगी। फिल्म एक ऐसे ओपन एंड के साथ खत्म हुई कि यकीन करना मुश्किल था कि कहानी खत्म हो गई है, मगर दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। जवान फिल्म के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि शाहरुख की ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। डायरेक्टर एटली कुमार अब इसकी सफलता को देखते हुए जवान 2 की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी फिल्म के लास्ट सीन में एक हिंट मिला था जिसमें कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। खास तौर से विक्रम राठौर वो वजह होंगे जिनके लिए जवान 2 के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि फिल्म की कहानी की शुरुआत में जब विक्रम राठौर घायल होते हैं और 30 साल के बाद उन्हें दिखाया जाता है, इन 30 सालों में उन्होंने क्या किया ये जवान 2 में दिखाया जा सकता है। और बाकी शाहरुख की गैंग्स यानी कि गर्ल्स गैंग की कहानी भी अभी अधूरी है दोस्तों। अगर फिल्म के डायरेक्टर एटली की बात करें तो उनकी हर एक फिल्म में एक ओपन एंड होता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में सोचेंगे। ये सारा का सारा क्रेडिट शाहरुख के जबरदस्त एक्टिंग और डायरेक्टर एटली के जबरदस्त डायरेक्शन को दिया जाता है, जिससे जवान फिल्म इतनी हिट साबित हुई और अब जवान 2 की प्लानिंग बनाई जा रही है। जहां जवान 2 में विक्रम राठौर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा, वहीं आजाद की गर्ल गैंग की अभी कहानी भी अधूरी है। और एक और शख्स था जो फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन अभी तक उसे पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ये सारी की सारी चीजें हमें जवान 2 में देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपके ख्याल से जवान 2 की क्या कहानी हो सकती है, अपनी थ्योरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।